हेलो एवरीबॉडी, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। आई रियली होप आप अपना ध्यान रख रहे हैं, कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, मास्क बहुत अच्छे से पहन के रखिएगा एंड ऑफ कोर्स बाकी सारा ध्यान भी रखिएगा। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो अगेन ऑन डिमांड है और इस टॉपिक में से हाल ही के कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले थे, राइट? और कौन सा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पड़ोसी देश। कितने देश हैं? 9 कंट्रीज हैं टोटल। 7 लैंड पे हैं और 2 मरीन यानी ओशन में स्प्रेड आउट हैं। इन 9 कंट्रीज के बारे में सब कुछ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम आज कवर करेंगे, जिसमें उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लैंग्वेजेस, एंथम, देन इंडिपेंडेंस डे, उसके अलावा उनके नेशनल सिंबल्स जितने भी होते हैं लाइक नेशनल एनिमल, प्लांट, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब इन 9 कंट्रीज के लिए, 9 नेबरिंग कंट्रीज के लिए आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है जो यूजली बुक्स में बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता, ना ही आपको एक जगह पे कहीं कंपाइल्ड मिलता है, देखने को नहीं मिलता। सो जितनी भी मेहनत थी R&D की वो हमने कर ली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। आप बस ये वीडियो देखिए और समझने का कुछ भी नहीं है, जो भी फैक्ट्स हैं बहुत अच्छे से वेरीफाइड करके डाले गए हैं, याद में जितना भी पॉसिबल होगा ट्रिक टेक्निक और मैप्स की मदद से करवाते चलूंगी। सो बस इंजॉय द सेशन। इंजॉय इसलिए बिकॉज ये बहुत मजे आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, नेशनल सिंबल्स एंड दिस एंड दैट याद करना, राइट? सो स्टार्टिंग विद नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है मैप पे देख लेते हैं। मैप हमेशा दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक है? यहाँ से शुरू करते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। सो पहला आ जाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, इधर ये म्यांमार, बांग्लादेश, ये हमारे लैंड नेबर्स कंप्लीट हो गए। फिर हम आ जाते हैं श्रीलंका और ये मालदीव्स। तो टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज। यहाँ तक की बात क्लियर है? ऑल राइट, अब थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स को। यस, ये जो हमारे नेबर्स हैं ये हमारे साथ एक बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और अगर हम मरीन की बात करें तो मैरिटाइम बाउंड्री हम कहते हैं, वो शेयर करते हैं श्रीलंका और मालदीव्स। सो ये जितने भी बॉर्डर्स हैं उनकी टोटल लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद बांग्लादेश, बिकॉज इनके साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे लॉन्गेस्ट शेयर करता है इंडिया। सो इंडो बांग्लादेश जो पूरा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, दैट इज़ ऑफ 4,096.7 किलोमीटर्स। ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का। कौन से कंट्री के साथ में? बांग्लादेश के साथ में है। फिर आता है चाइना के साथ में, इंडो चाइना बॉर्डर इज 3488 किलोमीटर्स। पाकिस्तान के साथ में इंडो पाक बॉर्डर इज 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर लैंड बॉर्डर्स की हम बात करें तो इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर है 106 किलोमीटर्स का। फिर भूटान, भूटान के साथ में इंडो भूटान बॉर्डर इज 699 किलोमीटर्स। नेपाल के साथ में इंडो नेपाल बॉर्डर इज 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ में इंडो म्यांमार बॉर्डर है 1643 किलोमीटर्स। श्रीलंका, अब देखो ये जो श्रीलंका और मालदीव्स हैं इसमें एज सच किलोमीटर्स में नहीं है, बट दे शेयर द मैरिटाइम बाउंड्री विद इंडिया। मैरिटाइम बाउंड्री क्या होती है? जो समुद्र है, इंडियन ओशन है, उसमें टेरिटरीज डिफाइंड होती है कि यहाँ तक का टेरिटोरियल वाटर्स इस कंट्री का है, यहाँ तक का टेरिटोरियल वाटर्स इस कंट्री का है, तो ऑफकोर्स टेरिटरी बाउंड्री शेयरिंग आती है। ओके, सो आई बिलीव यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री इज शेयर्ड बाय इंडिया? बांग्लादेश। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन से देश के साथ भारत बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है, ठीक है? लैंड बॉर्डर्स बांग्लादेश के साथ। अब हम आते हैं एक एक कंट्री के ऊपर और उससे रिलेटेड बातें पढ़ना शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे हम बांग्लादेश के साथ में। ये है बांग्लादेश का एक पूरा मैप, आप जो देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया आएगा, यहाँ पे म्यांमार आएगा। ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं कहानी। सो बांग्लादेश, अच्छा इसका PDF अवेलेबल है, आप वेबसाइट से ले सकते हो parchamclasses.in से। कौन से टॉपिक में हम इसको डालेंगे? हम इसको डाल देंगे ज्योग्राफी में भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, स्टैटिक GK वाले फोल्डर में भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, आप कहीं से भी ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैं साइड में हूँ, नहीं तो आप हैंड नोट्स बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद बांग्लादेश। बांग्लादेश, अच्छा मैप पे लोकेशन ध्यान है बांग्लादेश की, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनके बीच में पड़ता है। फटाफट से एक बार देख लो, मैप याद रखोगे तो बहुत ईजी होगा। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ देख लीजिए, दिस एरिया, दिस इज़ बांग्लादेश, ठीक है? उनके लिए बता रही हूँ जिनको शायद मैप से भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, वरना सबके दिमाग में छपा हुआ होगा बांग्लादेश की पोजिशन।
नाउ बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। अब जो 9 कंट्रीज उनकी कैपिटल एकदम मुंह जुबानी रटी हुई होनी चाहिए आपको। वैसे तो मैंने करवाया था बांग्लादेश के लिए, हमारा हिंट होगा बंगला। अब मैं घर बना रही हूँ पर आप इसको बंगला इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है। सो बंगला, सो बंगला ढका हुआ है। वैसे डायरेक्टली याद रखो, देखो हर चीज़ के लिए ट्रिक नहीं है ना। सो कैपिटल इज ढाका, करेंसी इज टका। कितने टके का है, कितना टका का दिया। सो ढाका इज कैपिटल, टका इज करेंसी। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। इनकी हंसी बहुत हसीन है, सो शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हो गई। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अब जो प्रेसिडेंट है हर चीज़ में हामी भर ही देते हैं यूजली, बहुत रेयर केस में होता है कि प्रेसिडेंट मना करते हो, और इतनी हसीन हंसी जो होगी अगर प्राइम मिनिस्टर की तो हामी प्रेसिडेंट वैसे भी भर देंगे, है ना। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो शेख हसीना इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड हामी भरने वाले अब्दुल हामिद इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ऑलराइट, नेशनल एंथम आमार सोनार बांग्ला आमी तो मैं भालोबाशी, किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जिन्होंने भारत का भी नेशनल एंथम लिखा है। और लैंग्वेज है बंगाली, बंगाल में भी बंगाली मेनली चलती है, बांग्लादेश में भी बंगाली चलती है। नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी, कबड्डी यस। अब देखो ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो याद करनी है तो अब ये बंगला देख लीजिएगा, बंगले के बाहर एंटरटेनमेंट के लिए लोग कबड्डी खेल रहे हैं। नहीं तो मैप याद कर लो, बांग्लादेश दिख रहा है, बांग्लादेश में लोगों को कबड्डी खेलते हुए एक बार विजुअलाइज कर लो, कभी नहीं भूलोगे कि बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कबड्डी है। ऑलराइट, देन इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान का पार्ट था एक समय में बांग्लादेश। इंडिपेंडेंट कब हुआ, ये इंडिपेंडेंट हुआ 26 मार्च 1971 को, और इसके पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, जाटिया पार्लियामेंट या जाटिया संसद। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देन कमिंग ओवर टू नेशनल सिंबल्स, नेशनल सिंबल मतलब नेशनल एनिमल, प्लांट, फ्लावर, फ्रूट, जो भी अवेलेबल होंगे, जो भी अनाउंस्ड हैं नेशनल सिंबल्स वो हम यहाँ पर डील करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेशनल फ्लावर पे। नेशनल फ्लावर है वाइट लिली। तो अब अगेन याद करने के लिए सिंपल है, एक बंगला बना लीजिए और यहाँ पे पानी है उसमें वाइट लिलीज खिले हुए हैं, पिक्चर बनानी है बस। बंगले के आगे वाइट लिलीज कहीं नहीं जाएगी ये पिक्चर दिमाग से, वाइट लिली याद हो गया। अच्छा, इनका जो एम्ब्लम है नेशनल एम्ब्लम उस पर भी देखो वाइट लिली बना हुआ है। ऑलराइट, कई बार ये पूछ लिया जा सकता है, सो आपको ध्यान रखना है। नेशनल फ्रूट इज जैक फ्रूट। जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल। हाँ, कटहल कभी खाया, कटहल की हमारे यहाँ सब्जी बनती है, बट देन इट इज़ अ फ्रूट, इट इज़ अ डेलिकेसी। सो नेशनल फ्रूट इज जैक फ्रूट। नेशनल ट्री इज मैंगो ट्री। नेशनल बर्ड इज मैगपाई रॉबिन, मैगपाई रॉबिन। नेशनल एनिमल इज बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन वाले इलाके का रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। नेशनल फिश इज आइलिश या हिल शार्क फिश। तो अब देखिए इन सारी चीज़ों को आसपास बना दीजिए, यहाँ पे मैंगो के ट्री हैं, इस पे मैगपाई रॉबिन आती है गाना सुनाती है, देन यहाँ पे या इस पे मैंगो भी उगा दो तो और विजुअल इमेज बन जाएगी। कटहल, पास में एक कटहल का पेड़ है। ऑलराइट, ये आपने बना दिया, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, और इसी पॉन्ड में हिलशा फिश भी तैरती रहती है, हिलती हुई तैरती रहती है। बस ये एक छोटा सा इमेजिनेशन आपको पिक्चर फॉर्म में देखना है और आपको सारे नेशनल सिंबल्स याद हो जाएंगे बांग्लादेश के। फाइन, आई रियली होप यू इंजॉइंग लर्निंग लाइक दिस, और ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। लास्ट में खुद का टेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। आप ये सारे पार्ट्स हटा दीजिएगा और फिल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बांग्लादेश के बॉर्डर की अब हम बात करते हैं। हम दो तरह से इसको पढ़ेंगे कि बांग्लादेश कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, दोनों तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में शेयर करता है, तो ये देख लीजिए, ये रहा बांग्लादेश, ये पूरा इंडिया आ गया, और ये नीचे इधर इतना हिस्सा है ये म्यांमार के साथ भी शेयर करता है। तो इंडिया और म्यांमार, म्यांमार जो कि पहले बर्मा कहा जाता था, इंडिया और म्यांमार के साथ में बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। नाउ कमिंग ओवर टू इंडिया, ये रहा पूरा बांग्लादेश, ठीक है। सो ये म्यांमार वाला हिस्सा, बाकी सारा इंडिया वाला हिस्सा है। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो देखो बांग्लादेश बंगाल से ही निकला था एक समय में, तो एक तो वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करेगा, ये पूरा वेस्ट बंगाल वाला बॉर्डर है। आई रियली होप यू आर एबल टू सी, अदरवाइज लेट मी ट्राई एंड जूम इट फॉर यू, या ईजियर ना, ठीक है। सो ये रहा, ये रहा पूरा वेस्ट बंगाल, और एक यहाँ तक वेस्ट बंगाल हो गया। फिर ये आ गया असम, ये पूरा मेघालय, ये भी असम चल रहा है, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम।
सो फाइव स्टेट्स हो गए, वेस्ट बंगाल तो आ गया, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर मैप दिमाग में छपा हुआ है, ये स्टेट्स पता है, तो याद करने के लिए किसी ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैप दिमाग में लाओ कि अच्छा बांग्लादेश तो इधर पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यहाँ पे असम आ जाएगा, मेघालय है असम के जस्ट नीचे, फिर एक पाँव त्रिपुरा और एक पाँव मिजोरम, ये मैप पहले याद करवाया हुआ है। तो इस तरह से आप ये पांचों स्टेट्स याद रख सकते हो, और नहीं तो एक छोटी सी टेक्निक ले सकते हो, ATM, है ना, ATMM, ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, MM से मेघालय मिजोरम, और बंगाल को मैं अलग से कोई टेक्निक से याद नहीं कराऊंगी, सीधे कर सकते हो। बॉर्डर लेंथ हमने देख ली, बॉर्डर का नाम जो इंडिया बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ में, दैट इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि जब रेड क्लिफ लाइन बनी थी पूरे पाकिस्तान को डिमार्केट करने के लिए, तो यहां भी बनी थी। ऑलराइट, कमिंग ओवर टू चाइना, चाइना कहाँ है, ये पूरा आपको जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा होगा, दिस एंटायर थिंग इज चाइना, ये नीचे नहीं, ये वियतनाम आ गया, यहाँ तक का, ओके। चलिए अब चाइना के बारे में भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। द कैपिटल इज बीजिंग, पता होगा चाइना बीजिंग, नहीं तो देख लीजिए, चाइना के बीज हम लेकर के आए हैं, है ना, उगाने के लिए बहुत अच्छी फसल होती है। करेंसी इज रेनमिनबी, यूएन इसकी एक बेसिक यूनिट है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा यूएन इज द करेंसी, यूएन इज नॉट द मेन चीफ करेंसी ऑफ चाइना, करेंसी रेनमिनबी ही है, यूएन उसकी एक यूनिट है, ओके। सो रेनमिनबी, तो चाइना में करेंसी की रेन होती रहती है, इतना अमीर होता जा रहा है चाइना, आप ऐसे याद रख सकते हैं, हर चीज चाइनीज इधर उधर आपको वर्ल्ड में मिल जाएगी। प्रेसिडेंट इज शाई जिनपिंग, जिनपिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, कोरोना के बाद तो बहुत ही वर्ल्ड फेमस हो गए हैं जिनपिंग। नेशनल एंथम है इनका मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स, तो देखो चाइना की आबादी इतनी है कि लोग वॉलंटियर्स चाहिए तो भरपूर मिल जाएंगे, सो वॉलंटियर्स से आप याद रख सकते हो, चाइना का नेशनल एंथम इज मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। लैंग्वेज है यहाँ पे मंडारिन, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, होने चाहिए, मेरा कभी डिस्कशन तो नहीं हुआ इस पर, बट आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि चाइना की लैंग्वेज चाइनीज होनी चाहिए। मंडारिन कहाँ से आ गया, मंडारिन इसलिए आए बिकॉज चाइनीज का ही एक वर्जन है मंडारिन, चाइनीज के बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, जिस तरह से वो यूज़ की जाती है उसी का एक डायलेक्ट है मंडारिन, और ये यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, या फिर यहाँ की मेन लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज बोलना ठीक नहीं, यहाँ की मेन लैंग्वेज है मंडारिन, जो कि चाइनीज का ही एक डायलेक्ट है। पार्लियामेंट, चाइना की पार्लियामेंट को कहा जाता है नेशनल पीपल्स असेंबली। अच्छा, चाइना का जो ऑफिशियल नेम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC, तो नेशनल पीपल्स असेंबली, फाइन। इंडिपेंडेंस डे, अभी इंडिपेंडेंस डे कहाँ से आया, इंडिपेंडेंस डे क्योंकि जो पूरा चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ये नामकरण हुआ था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिस दिन ऑफिशियली ये नाम दिया गया चाइना को, एस्टेब्लिशमेंट में लाया गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, वो ये डेट है 1 अक्टूबर 1949, ओके, याद रहेगा। चलिए देन नेशनल सिंबल्स पे आ जाते हैं। सो अच्छा, हमने फ्लैग पे ध्यान नहीं दिया, फ्लैग भी देखते जाइएगा, जैसे अगर हम बात करें चाइना के फ्लैग की, तो रेड फ्लैग और विथ फाइव स्टार्स, ओके, फ्लैग भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो ग्रीन विथ रेड सर्कल, है ना, बांग्लादेश। सो फ्लैग्स पे जो भी चीज़ आपको दिख रही है स्क्रीन पे, सब इंपॉर्टेंट है, सब पे ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, सो मूविंग ओवर टू नेशनल सिंबल्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल फ्लावर प्लम ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम्स होते हैं, प्लम ब्लॉसम्स होते हैं, सो प्लम ब्लॉसम इज द नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना। चाइना के बच्चे ले देखें, एकदम पिंक प्लम होते हैं, मोटू पिंक, सो उससे आप प्लम ब्लॉसम याद रख सकते हैं, ऐसे पिंकी होते हैं। देन नेशनल फ्रूट इज कीवी, हाँ हमारे यहाँ भी मिलती है ना, खट्टी होती है, खट्टी मीठी सी होती है, ये वाला फ्रूट है। सो नेशनल फ्रूट इज कीवी फ्रूट, एंड ऑल्सो जूजूबी इज ऑल्सो कंसिडर्ड नेशनल फ्रूट। जूजूबी थोड़ा बेर या ऑलिव जैसा दिखता है, ऐसा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नेशनल ट्री इज जिंको, जो कि मेमोरी शार्पन करने में बहुत हेल्प करता है, जिंको इज द नेशनल ट्री। नेशनल बर्ड इज रेड क्राउंड क्रेन, इनके सिर पे ना थोड़ा सा रेड कलर होता है आगे, तो इसलिए इसको रेड क्राउंड क्रेन कहते हैं। तो चाइना का फ्लैग रेड है, तो रेड क्राउंड क्रेन ये हिंट हो सकता है। देन एनिमल इज जायंट पांडा, और माइथोलॉजी के हिसाब से चलें तो चाइनीज ड्रैगन भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो चाइनीज ड्रैगन ध्यान में रखिएगा, और करंट सिचुएशन की बात करें तो जायंट पांडा चाइना में मिलता है, इतना पता ही होगा आपको। सो उस तरह से नहीं पता है तो पता होना चाहिए, दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी, आज नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चला, पांडा चाइना का दिखा देते हैं। सो
ये सारे हो गए आपके सिंबल्स ऑफ चाइना मूविंग ओवर टू बॉर्डर्स. नाउ चाइना कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है. हाँ, अब यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. अगर आपने मैंने जब आपको एशिया पॉलिटिकल मैप याद करवाया था, वो अगर आपके ध्यान में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम अभी देखेंगे. मैप से अगर जितना याद रख सकोगे मुझे अच्छा भी लगेगा और आपके लिए ईजी भी रहेंगी चीज़ें, क्योंकि हर एक चीज़ में अगर आप एब्रीविएशन ढूंढोगे, स्टोरी ढूंढोगे, तो सब खिचड़ी बनने के चांसेस हैं. तो आप देखो पूरा चाइना है, राइट. अब यहाँ से शुरू करो, ये एक तो आ गया इंडिया, उसके बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी राज्य तीन जो चाइना के भी पड़ोसी राज्य हो गए. ओके, अब यहाँ से चलते हैं. तो देखो लाओस और वियतनाम ये दो और हो गए जो कि चाइना के पड़ोसी देश हो गए, राइट. फिर आ जाता है नॉर्थ कोरिया. अब ऊपर चलो, ये वाला हिस्सा पूरा रशिया, ये मंगोलिया. मैप याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा. हाँ, अब यहाँ आ जाओ तो कागज पे किरकिर थी, ताजी किरकिर कागज पे, ऐसे याद करवाया था, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान. ओके, फिर ये अफगानिस्तान भी टच होता है चाइना में, और पाकिस्तान टच नहीं होता है. हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो होम मिनिस्ट्री है इंडिया की, वो POK को भी इंडिया का हिस्सा मानती है, राइट. उस लिहाज से आप देखोगे तो पाकिस्तान इधर ही एंड हो जाता है, पाकिस्तान एंड्स हियर, राइट. यहाँ तक नहीं पहुँचता. ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है ये अफगानिस्तान का है, ठीक है. सो इंडिया, देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उधर आ जाओ नॉर्थ कोरिया, ऊपर चले जाओ रशिया, मंगोलिया, इधर कजाकिस्तान, ऊपर सबसे पहले कजाकिस्तान हो गया, किरकिर ताजी है ना, तो किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, बस बात खत्म. ये सारे कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर होता है. और अगर हम बात करें स्टेट्स की, इंडियन स्टेट्स की जिनसे चाइना बॉर्डर शेयर करता है, तो बहुत सिंपल है, कौन कौन से होंगे, यहाँ आ जाओ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. इसमें कुछ भी नहीं है याद करने जैसा, अगर मैप दिमाग में चलता है तो ये भी आप याद कर लोगे, और फिर भी ट्रिक चाहिए तो सुले आगे पीछे है थोड़ा, सिक्किम, यू से उत्तराखंड, एल से लद्दाख, ए से अरुणाचल प्रदेश, एच से हिमाचल प्रदेश. तो इंडिया चाइना में सुलह हो जाए तो अच्छा है ना, उनका खून बहना हमारा भय, ऐसे आप याद रख सकते हो. सो ये सारे स्टेट्स देख लिए हमने, बॉर्डर 3488 है, बॉर्डर के नेम देख लीजिए, LAC है, एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि लद्दाख साइड में पड़ता है, और एक है मैक मोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश से बनाता है चाइना, मैक मोहन एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC. ऑलराइट, सो मूविंग ओवर टू पाकिस्तान. सो ये पाकिस्तान है जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, राइट. जल्दी से पढ़ लेते हैं पाकिस्तान के बारे में. कैपिटल इज इस्लामाबाद, पता होना चाहिए, नहीं पता है मैं अज्यूम करके पढ़ा देती हूँ, चलिए कि नहीं पता है. सो पाकिस्तान में मुख्य धर्म है इस्लाम, तो इस्लामाबाद हो जाएगी. करेंसी इज पाकिस्तानी रुपी, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन रुपी, ओके. एंड अप्रॉक्सीमेटली 50% वैल्यू का होता है एज कम्पेयर टू इंडियन रुपी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू. देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये न्यूज़ में आते रहते हैं, अगर न्यूज़ नहीं देखते तो गलत बात है, न्यूज़ देखनी चाहिए. इमरान खान. प्रेसिडेंट इज आरफ अलवी. पाकिस्तान में दो ए हैं, उससे आप एसोसिएट कर सकते हो, आरफ अलवी ए. देन नेशनल एंथम इज कौमी तराना, इस्लामिक या उर्दू भाषा में कौमी तराना, पूरी जो कौम है वो तराना गा रही है, ऐसे आप ध्यान करेंगे. लैंग्वेज इज उर्दू. नेशनल स्पोर्ट इज हॉकी, यस. देन इंडिपेंडेंस डे हमारे से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को, और जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की वो क्या कहलाती है, नेशनल असेंबली एंड सीनेट. ऑलराइट, कमिंग ओवर टू नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान. सो सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल फ्लावर. नेशनल फ्लावर इज कॉमन जैस्मीन, जो चमेली का फूल होता है वो वहाँ का नेशनल फ्लावर है. ये रही पिक्चर. देन नेशनल फ्रूट इज मैंगो, हमारा भी मैंगो है. और विंटर्स का जो नेशनल फ्रूट है पाकिस्तान का, दैट इज गुआवा, अमरूद, आई रियली लाइक. नेशनल ट्री इज हिमालयन सीडार. देन बर्ड इज चुकर पार्ट्रिज. चुकर, कोई सॉन्ग याद आ रहा है, चुकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तो इससे पाकिस्तानी जितने दूर है उतने करीब भी हैं हिंदुस्तानियों के ना. द पीपल इन पाकिस्तान आर रियली लविंग. सो छूकर मेरे मन को से आप चुकर पाटरेज याद रख सकते हैं. एनिमल, नेशनल एनिमल इज मारखोर. दिस इज द एनिमल, बड़े बड़े सींग होते हैं, मारखोर बोलते हैं इसको. सो ये भी आप याद रखेंगे. देन कमिंग ओवर टू द बॉर्डर्स,
अब पाकिस्तान कौन कौन से देश के साथ बॉर्डर बनाता है? एक तो हम हो ही गए इंडिया, दूसरा ये अफगानिस्तान हो गया और तीसरा ये ईरान हो गया, ठीक है। तो ये तीन बॉर्डर्स बनाता है। मैप से याद करना है, कुछ ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के? तो ये रहे, कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। मैप दिमाग में चला लो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राइट। और कुछ इसमें बताने की बात नहीं है, 3323 किलोमीटर है। और जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। बॉर्डर ईयर इज कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल। देन कमिंग ओवर टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर। तो ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान, और ये जो हिस्सा है ये हमारा प्यारा भारत है। चलिए सो जल्दी से पढ़ते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की कैपिटल इज काबुल। अफगानिस्तान काबुल मालूम है, होनी चाहिए। पूरी कंट्री कैपिटल याद करवा रखी है, पूरे विश्व की कंट्री कैपिटल याद करवा रखी है। नहीं पता है तो पिटाई पड़नी चाहिए तुम लोगों की। सो अफगानिस्तान काबुल, करेंसी इज अफगानी। अफगानिस्तान अफगानी, प्रेसिडेंट इज अशरफ घानी। अफगानी अशरफ घानी, मिलता जुलता है, सब हो जाना है साथ में। नेशनल एंथम इज मिले सुरूद। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। देखा है कभी, हमारे जमाने में दूरदर्शन पे आया करता था, सो उससे आप मिले सुर से मिली सुरूद याद रख सकते हैं। तो अफगानी बोल रहे हैं मिली सुरूद। देन ऑफिशियल लैंग्वेजेस पाश्तो एंड दारी। डीपी होती है ना जैसे हमारी, डीपी दारी, पाश्तो दारी। देन नेशनल स्पोर्ट इज बुजकाशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कोई ऐसे खेल हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में न्यारे ही हैं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, अलग थलग हैं, तो उनके बारे में सवाल बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट। अब व्हाट इज बुजकाशी? बुजकाशी इज बेसिकली जैसे बॉल आपको गोल तक पहुंचानी है, लेकिन यहाँ बॉल नहीं है, उसकी जगह एक बीहेडेड बकरा है, सिर कटा हुआ बकरा है, और उसको उसको उछाल करके गोल किया जाता है, घोड़ों पे उसको लेकर के लटकाया करके ले जाया जाता है। सो इट इज़ अ लिटिल, यू नो, नॉट लिटिल, इट इज़ एक्चुअली नॉट इन गुड टेस्ट इन द सेंस कि पूरा जो सीन होता है, इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी टू वॉच। और लेकिन दिस इज़ बुजकाशी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि काश ये बकरा नहीं फेंक रहे होते, बकरा नहीं छीन रहे होते, उसको नहीं गोल तक पहुंचा रहे होते, रादर बॉल से ही खेल रहे होते, काश। तो बुजकाशी आप याद रखेंगे। इंडिपेंडेंस डे इज 19 अगस्त 1919, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी। सो 1919 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है ही, तो उससे आप एसोसिएट करके 19 अगस्त 1919, राइट, याद रख सकते हैं। देन पार्लियामेंट जो है अफगानिस्तान की, वो शोरा कहलाती है। सो अफगानिस्तान में तालिबान और कभी यूएस अटैक, कभी कुछ शोर होता ही रहता है, धड़ाम धड़ूम बम फूटते ही रहते हैं, तो शोरा, शोर से आप एसोसिएट कर सकते हैं। देन मूविंग ओवर टू द नेशनल सिंबल ऑफ अफगानिस्तान, सो द नेशनल फ्लावर इज ट्यूलिप। ट्यूलिप्स ये रहे, है ना, ट्यूलिप फ्लावर देखा है आपने, सो दैट इज द नेशनल फ्लावर। नेशनल फ्रूट इज पोमोग्रेनेट, अनार। जो अफगानी क्विजींस होते हैं उनमें भी अनार का बहुत यूज़ किया जाता है। नेशनल ट्री इज़ अफगान पाइन। बर्ड इज़ गोल्डन ईगल। अब देखो अगर बम बम फूटेंगे तो बहुत लाशें बिछेंगी, तो वहाँ पे चील वगैरह बहुत मंडराती हैं, तो गोल्डन ईगल अफगानिस्तान से एसोसिएट आप ऐसे कर सकते हो। शोरा, शोर, डेथ्स, गोल्डन ईगल। देन नेशनल एनिमल इज स्नो लेपर्ड। सो अफगानिस्तान इज बेसिकली माउंटेनियस रीजन, ठीक है, और हर तरफ से लैंडलॉक्ड है, तो माउंटेन वाला इलाका है, तो स्नो लेपर्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे, चील वगैरह मिलेंगी, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं उधर थोड़ी, तो उस पे वो रहते हैं। ट्यूलिप्स हैं, अनार है, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। मूविंग ओवर टू द बॉर्डर्स, तो अफगानिस्तान कौन कौन से देशों से बॉर्डर शेयर करता है देख चुके हैं हम, नहीं देख चुके हैं, अभी देखना पड़ेगा, तो चलो हम इसको जूम कर लेते हैं। मैप याद होता, कहाँ पहुँच गए, मैप याद होता तो ईजी होता, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, चलिए आई थिंक दिस शुड डू। सो दिस इज अफगानिस्तान जो आपको डार्क कलर दिख रहा है, नीचे पाकिस्तान आएगा, ये रहा इंडिया और ये रहा चाइना। ओके, क्लियर हो गया। सो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो आप इसको टूट से याद रख सकते हो, टूट, हाँ। और यहाँ पे ईरान भी आपको याद हो गई, पाकिस्तान के पास भी हमने किया था, तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान तो हमको याद है, इसके बाद हम टूट से याद रख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। ये सारे हो गए नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान के। फिर हम आ जाते हैं
कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर करते हैं, तो बस छोटू सा ऊपर टच होता है यहाँ पे अफगानिस्तान, ये रहा, तो ये कौन सा यूनियन टेरिटरी है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो ये यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, लद्दाख, ठीक है। सो बॉर्डरिंग यूटी इज लद्दाख, लेंथ इज 106 किलोमीटर्स, और ये जो लाइन है बॉर्डर लाइन, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन। देन कमिंग ओवर टू नेपाल, नेपाल नेपाल, सो कैपिटल इज काठमांडू, नेपाल काठमांडू, करेंसी इज नेपालीज रुपी, है ना, नेपाल में भी रुपी चलता है पर नेपालीज रुपी इज, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, और ये बहुत न्यूज़ में आए थे जब इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ी तनातनी हुई थी लास्ट ईयर, सो केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट इज विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी, अच्छा नेपाल में बहुत देवियों के मंदिर है, भंडार भरे पड़े देवियों के, तो देवी भंडार से विद्या देवी भंडारी आप याद रख सकते हैं। नेशनल एंथम इज वोवन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स, वोवन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स, नेपाल इज वेरी ब्यूटिफुल, अगर आपने कभी देखा, मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं कुछ नेपाल में, इट इज़ अ ब्यूटिफुल यू नो कंट्री, सो वोवन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स वगैरह इमेजिन कर लो, देवियों पे फूल भी चढ़ते हैं उस तरह से। लैंग्वेज इज नेपाली या नेपालीज। नेशनल स्पोर्ट इज वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। देन पार्लियामेंट वहाँ की क्या कहलाती है, संघीय सांसद, संघीय सांसद, या फिर फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल, संघीय संसद, सांसद बोला ना, संसद। और ये फ्लैग देख लीजिएगा नेपाल का। देन नेशनल सिंबल्स की अगर हम बात करें, नेशनल फ्लावर इज रोडेंड्रोन, रोडेंड्रोन, और ये इनके एम्बलम पे भी देखने को मिलता है, जो रेड 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 आपको दिख रहा है नेशनल एम्बलम पे, ये रोडेंड्रोन्स हैं, रेड कलर के फ्लावर्स हैं, इनको लाली गुरास भी कहा जाता है, लाली गुरास। ओके, देन नेशनल ट्री इज फाइकस रेलिजियोसा, कौन सा है, पीपल है हमारा, वही इनका है। नेशनल बर्ड इज हमारा पीपल नहीं, इनका पीपल मतलब फाइकस रेलिजियोसा पीपल, नेपाल का नेशनल ट्री है, ये कहना चाह रही हूँ मैं। नेशनल बर्ड इज हिमालयन मोनल, हिमालयन मोनल। देन एनिमल, नेशनल एनिमल इज काउ, COW काउ। चलो बाबा, नेपाल का बॉर्डर देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करेगा भाई, ये रहा नेपाल, नीचे इंडिया, ऊपर चाइना, बस खत्म। सो इंडिया और चाइना, और कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जिनके साथ में बॉर्डर शेयरिंग होती है नेपाल की, चलो आ जाओ, वैसे ही सोच के बता सकते हो, बताना तो चाहिए कायदे में आपको, आ जाइए साहब, ये रहा नेपाल। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पूरा जो दिख रहा है ये है वेस्ट बंगाल, और ये पांचवा ऊपर, ये छोटा सा, दिस इज सिक्किम। सो फाइव स्टेट्स हो जाते हैं, कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, दीज आर द फाइव स्टेट्स जिनके साथ में बॉर्डर शेयरिंग होती है नेपाल की। फाइन, बॉर्डर लेंथ आपको पता ही है, मैप से याद रखेंगे अच्छे से हो जाएगा। फिर आते हैं भूटान पे, भूटान सिक्किम के पास में, ये रुको कहाँ दिखेगा तुमको, दूर के मैप पे दिखाएं, ये रहा, ये देखो, ये रहा सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल के बीच वाला जो हिस्सा दिखता है हमको, दिस इज भूटान। तो जल्दी से देखते हैं भूटान की कैपिटल, भूत, इतना थिन था करके उड़ा दिया, ऐसे याद कुछ करवाया था मैंने जमानों पहले। सो भूटान के लिए हम हिंट ले सकते हैं, भूत, है ना, क्यूट भूत है ये। सो भूटान थिम्फू, भूटानीज एंगल्ट्रम, एंगल्ट्रम इज द करेंसी, भूटानीज एंगल्ट्रम, तो इसके लिए कुछ नहीं है, सीधा याद करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इज लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग। अगर भूटान है तो उसका प्राइम, भूत, भूत के सामने शेर को ही खड़ा होना पड़ेगा ना, तभी काम चलेगा, तो भूटान है तो उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेर से शेरिंग, लोटे शेरिंग आप याद रख सकते हैं। मोनार्क, यहाँ पे राजा वाला सिस्टम है ना, तो मोनार्क कौन है, जिगमे खेसर नामग्येल वांगचुक, वांगचुक फुनसुक वांगडू से वांगचुक याद रख सकते हो। देन नेशनल एंथम ड्रक सेंडिन, ड्रक सेंडिन। अब आई रियली डोंट हैव टेक्निक फॉर दिस, आप करना चाहो कर लो, नहीं तो सेंडिन, आई डोंट हैव एनीथिंग, ड्रग सेंडिन, दो तीन बार बोलो याद हो जाएगा। कई जगह पे रोट मेथड भी बहुत काम आता है, रोट मेथड क्या होता है, लर्न बाय रिपीटिंग, है ना, जिसे हम रट्टाफिकेशन भी बोलते हैं, रट्टा मारना, दोहरान करना, इवन दैट इज अ वेरी गुड मेथड, मिक्सचर यूज करो हमेशा, कॉम्बिनेशन यूज करो, तो ड्रग सेंडिन 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 हो जाएगा। देन लैंग्वेज इज जोंखा, जोंखा, तो झोंका आता है ना,
है ना, थिन भूत था ना थिम्फू, तो झोंके से उड़ जाता है. तो झोंका इज द लैंग्वेज ऑफ भूटान, ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर पॉपुलर लैंग्वेज. नेशनल स्पोर्ट इज आर्चरी, आर्चरी. तो जो भूटान वाला एरिया है मैप पे, उस पर आर्चरी देख लो, तीरंदाजी, तीरंदाजी वो हो गई नेशनल स्पोर्ट. और पार्लियामेंट कहलाती है शोकदु, शोकदु. ओके, तो भूत को देख के शौक लगता है, शौक, उसी तरह से पार्लियामेंट को भी शौक लगता है, शोकदु. सो भूटान की पार्लियामेंट इज शोकदु. देन नेशनल सिंबल्स पे आ जाते हैं हम. नेशनल फ्लावर इज हिमालयन ब्लू पॉपी, हिमालयन ब्लू पॉपी. देन नेशनल ट्री इज हिमालयन साइप्रस. नेशनल बर्ड इज रेवन एंड नेशनल एनिमल इज ताकिन. ओके, भूत से एसोसिएट कर लो थोड़ा थोड़ा बहुत. भूत देखते ही आपको पॉप, पॉप्स, पापा इनकी याद आ सकती है, तो पॉपी फ्लावर हो जाएगा. अब आपस में थोड़ी कंफ्यूज करोगे, पॉपी एनिमल तो नहीं है, पॉपी बर्ड तो नहीं है, नहीं करोगे ना, तो बस पॉपी याद रख लो. देन साइप्रस हो गया, देन रेवन, रावण भी भूत जैसा दिखता था तो रेवन कर लो. फिर ताकिन, तो भूत आपको ताक रहा है, आप छुप के भूत को ताक रहे हो. सो जस्ट एसोसिएट एवरीथिंग विद भूत एंड योर पर्पस विल बी सॉल्व. एक बार कुछ ऐसा सीन बना लो दिमाग में और काम खत्म हो जाएगा. ऑलराइट, सो मूविंग ओवर टू बॉर्डर्स जो कि भूटान शेयर करते हैं अलग कंट्रीज के साथ में. तो ये भूटान है, एक तो बॉर्डर हो गया इंडिया के साथ में, एक हो गया चाइना के साथ में. देन कमिंग ओवर टू द स्टेट बॉर्डर्स विथ इंडिया, तो ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. यहाँ पे देखिएगा, ये रहा भूटान. तो आप कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनसे बॉर्डर शेयर हो रहा है? सिक्किम, ये येलो वाला हिस्सा, वेस्ट बंगाल, ये ब्लू हिस्सा, ये जितना जितना बॉर्डर शेयर हो रहा है, दिस इज असम एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश. सो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसको आप एस ए बी ए सबा से भी याद रख सकते हो. सबा क्या होता है? आई थिंक पुण्य का काम, सबा का काम, ऐसे ही कुछ होता है ना. सबा किसी हेल्दी, हैप्पी या ब्लेसिंग वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है. तो अगर आप भूत को भगाते हो, है ना, तो सबा का काम है. ऐसे आप करके आप कुछ एसोसिएट कर सकते हो. वैसे मैप से करोगे तो अगेन आई विल बी वेरी हैप्पी. कमिंग ओवर टू म्यांमार, ये रहा म्यांमार, दिस होल थिंग इज म्यांमार. देन कैपिटल, अच्छा ओल्ड नेम, म्यांमार का ओल्ड पुराना नाम क्या है? बर्मा है. कैपिटल इज नैपिटो. कई जगह पे आपको नैपी डॉ मिलेगा, इवन दैट इज फाइन, लेकिन जो ओरिजिनल बर्मीज लैंग्वेज में है दैट इज ने पी तो, ने पी तो, सो नैपी तो हो जाता है. और जैसे मैंने बोला ने पी तो, आप बोलते क्या क्या है ये? सो करेंसी इज क्यात, क्यात, क्यात. म्यांमार नैपी तो क्यात. स्टेट हेड, अब देखो वैसे तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों अलग हैं म्यांमार के एंड दे वर वर्किंग, लेकिन मिलिट्री कूप होने की वजह से स्टेट हेड कोई और बन चुका है. कमांडर इन चीफ जो है म्यांमार के, उन्होंने पूरा कब्जा एक तरह से मिलिट्री के कंडर में कर लिया है म्यांमार को. ये मैंने आपको करंट अफेयर्स वाली क्लास में बताया था, है ना. सो स्टेट हेड, करंट स्टेट हेड जो हैं वो कमांडर इन चीफ ऑफ म्यांमार हैं, नाम है मिन ऑंग ल्यांग. ओके, सो मिन ऑंग ल्यांग ने अपना कब्जे में सब कुछ ले लिया है. तो मिनट, मिनिमम टाइम में, एक मिनट लगा इनको और इन्होंने पूरे म्यांमार को अपने कब्जे में ले लिया. ऐसे आप मिन ऑंग ल्यांग याद रखेंगे. और अदरवाइज जो प्राइम मिनिस्टर वाली ही एक पोस्ट है जिसको कि स्टेट काउंसलर बोलते हैं, है ना, इट इज़ इक्वलेंट टू प्राइम मिनिस्टर. सो स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार बिफोर दिस मिलिट्री कूप वॉज ऑंग सान सू की, ये रही, है ना. एंड जो प्रेसिडेंट थे मिलिट्री कूप से पहले वो थे विन मिंट, और उनकी पिक्चर तो नहीं लगाई हमने, विन. तो ये विन कर रखे थे प्रेसिडेंट की पोस्ट, लेकिन मिलिट्री कूप हो गया और इनकी तो सांस रुक गई, सांसुकी की सांस रुक गई कि भाई मिलिट्री कूप हो गया. सांसुकी इज़ अ वेरी फेमस नेम, वेरी फेमस फेस, नोबेल प्राइज विनर एंड ऑल. सो ठीक है, नेशनल एंथम काबा मा के, काबा मा के. सो काबा माके आपको सीधे याद रखना पड़ेगा, दिस नथिंग आई हैव टू टेल. के एम के, काबा माके. लैंग्वेज इज बर्मीज. इंडिपेंडेंस डे इज 4 जनवरी 1948. देन पार्लियामेंट इज कॉल्ड पी डोंग सू ल्यूटो. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सी जगह गलत दिया जाता है पार्लियामेंट, वो आपको खास तौर से ध्यान रखनी पड़ेगी बात. जो पार्लियामेंट इज दैट इज पी डोंग सू ल्यूटो, ल्यूटो. ओके, असेंबली ऑफ द यूनियन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, दिस इज इन द बर्मीज लैंग्वेज. सो जस्ट, और क्योंकि थोड़े डिफरेंट से नेम्स है ना, वैसे भी ध्यान रहे जाएंगे. कमिंग ओवर टू नेशनल सिंबल्स ऑफ म्यांमार, नेशनल फ्लावर इज पदॉक. ये जो येलो कलर के फ्लावर हैं इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, पदॉक, पदॉक. ओके, ग्रीन पी फाउल इज द नेशनल
बर्ड, मोर जैसा ही दिखता है. मोर इज कॉल्ड ब्लू पी फाउल और ये है ग्रीन पी फाउल. ये इसकी पूरी जो नेक होती है ना ग्रीन कलर का शेड ज़्यादा देती है और थोड़ी कलगी वगैरह और थोड़ा ओवरऑल डिफरेंट होता है. पंख वंख सेम ही होते हैं. सो ग्रीन पी फाउल, बर्मीज पी फाउल भी इसको कहा जाता है, ग्रीन पी फाउल भी कहा जाता है. सो दिस इज द नेशनल बर्ड. नेशनल एनिमल इज टाइगर. यस, कई जगहों पर आपको म्यांमार का नेशनल एनिमल एलिफेंट देखने को मिलेगा, पर एलिफेंट इज नॉट द नेशनल एनिमल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, वाइट एलिफेंट. अगर कहीं पे पूछा जाए वाइट एलिफेंट मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में, तो म्यांमार में पाए जाते हैं. ठीक है, बट इट इज़ नॉट द नेशनल एनिमल ऑफ म्यांमार, इट इज़ टाइगर. एंड द नेशनल स्पोर्ट इज चिनलोनी. चिनलोनी दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फुटबॉल मान सकते हैं आप, लेकिन वो इस तरह के जो टोकरी वगैरह बनती है ना जिससे स्ट्रॉ वगैरह से, उससे बनाई जाती है बॉल और उससे खेला जाता है. तो चिनलोनी, ठीक है, तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत महंगी बॉल थी फाड़ दी, हमने खुद इन सब चीज़ों से बना लिया जैसे टोकरी बनती है, वी आर प्लेइंग. ऑलराइट, देन म्यांमार बॉर्डर की अगर हम बात करें, यस इधर आ जाओ. ओके, विजिबल, चलो. सो ये जो आपको लाइट कलर दिख रहा है म्यांमार है, ये रहा इंडिया, तो एक तो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है. ये रहा बांग्लादेश, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर हो गया. चाइना से बॉर्डर शेयर है. फिर यहाँ आ जाएगा लाओस, ये पूरा क्या है, थाईलैंड. ठीक है, सो ये हो गए कंट्रीज जिनसे बॉर्डर शेयरिंग हो रही है. सो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस एंड थाईलैंड. अब अगेन अगर मैप याद होगा तो सिंपल रहेगा आपके लिए. देन कौन कौन से स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स जिनके साथ में बॉर्डर शेयरिंग होती है, तो यहाँ आ जाइए वापस. ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, दिस इज़ ऑफ म्यांमार. अब ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न ये वाले जो आपको स्टेट्स दिख रहे हैं, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, दिस इज़ मणिपुर, दिस इज़ मिजोरम. सो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चार इंडियन स्टेट्स हैं जिनके साथ में बॉर्डर शेयर होता है, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड. बॉर्डर लेंथ इज 1643. देन श्रीलंका. अब हम आ जाते हैं, ये हमारे सारे लैंड जो नेबर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. मूविंग ओवर टू हमारे कौन से, मरीन या मैरीटाइम नेबर्स, जो समुद्र में पाए जाते हैं और वी आर नॉट शेयरिंग लैंड बाउंड्री विद देम. तो एक होगा श्रीलंका, दूसरा हम पढ़ेंगे मालदीव्स. सो जल्दी से अब श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं. सो ओल्ड नेम वॉज सिलोन. देन कैपिटल, कैपिटल ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं बच्चे. दो कैपिटल हैं श्रीलंका की, एक तो सबको पॉपुलर जो पता है कोलंबो, कोलंबो सिटी इज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल, और एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है. ओके, सो श्रीलंका हैज टू कैपिटल्स, वन इज लेजिस्लेटिव कैपिटल, अनदर वन इज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल विच इज कोलंबो, एंड द अदर वन इज जयवर्धनेपुरे कोट्टे, पूरा कोट्टे. देन करेंसी की अगर हम बात करें, श्रीलंकन रूपी. ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर महेंद्र राजपक्ष. ओके, और ये राजपक्ष से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रेसिडेंट में भी है, प्राइम मिनिस्टर में भी है. प्रेसिडेंट इज गोटाबाया राजपक्ष. सो महेंद्र एंड गोटाबाया. नेशनल एंथम है श्रीलंका माथा. फाइन, लैंग्वेज इज सिन्हल एंड तमिल. सिन्हल और तमिल दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पे नेशनल लैंग्वेजेस या लैंग्वेजेस ऑफ इंपॉर्टेंस रखती हैं. इंडिपेंडेंस डे इज 4th February 1948. नाउ कमिंग ओवर टू द नेशनल सिंबल्स. पहले तो ये देख लीजिए कि फ्लैग में भी और नेशनल एम्बलम में भी आपको सिंह देखने को मिलेगा, है ना, लायन. नेशनल फ्लावर है ब्लू वाटर लिली. ब्लू वाटर लिली, व्हाइट लिली किसका था, व्हाइट लिली किसका था, चलो कमेंट करके बताओ जल्दी से, मुझे पढ़ा चुकी हूँ, टेस्ट है एक तरह से. व्हाइट लिली ऐसे ही बता रहे हो, बंगले के पहाड़ था व्हाइट लिली, यस बांग्लादेश का. सो ये ब्लू वाटर लिली है. नेशनल फ्रूट इज जैक फ्रूट, बांग्लादेश का भी था, इसका भी है. नेशनल ट्री इज सिलोन आयरन वुड, दिस वन सिलोन आयरन वुड. तो सिलोन से हिंट मिल जाएगा हमको. नेशनल बर्ड इज श्रीलंकन जंगल फाउल. फाउल मुर्गे को कहा जाता है ना, सो श्रीलंकन जंगल फाउल ये हो गया. नेशनल स्पोर्ट इज वॉलीबॉल. देन बॉर्डर्स की हम बात करें तो श्रीलंका ऐसे लैंड बॉर्डर तो नहीं करता है शेयर, लेकिन जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है ना वो ज़रूर शेयर करता है इंडिया और मालदीव्स के साथ में. ये एक टी पॉइंट है इन तीनों देशों के मैरीटाइम बॉर्डर का. ठीक है, सो शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स विथ मालदीव्स एंड इंडिया. देन
वॉट एल्स, ओके, कौन से ओशन में लोकेटेड है? इंडियन ओशन में लोकेटेड है और बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्ट में, अरेबियन सी के साउथ ईस्ट में पड़ता है. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कैसे डिवाइडेड है? पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू इंडियन सब कॉन्टिनेंट से डिवाइडेड है. चलिए मूविंग ओवर टू द लास्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया जो कि मैरिटाइम नेबर है हमारा, दैट इज मालदीव्स. ये रहा, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये देखो ये रहे मालदीव्स, ये लैकेडाइव आइलैंड्स या लक्षद्वीप है, नीचे मालदीव्स है. गलत मत समझिएगा या कन्फ्यूज होइएगा कभी. सो मालदीव्स की कैपिटल इज माले, करेंसी इज मालदीवियन रुफिया, रुफिया है ना, रुपये से मिलता जुलता हो गया. प्रेजिडेंट इज इब्राहिम मोहम्मद सोली, सोली. सो थोड़ा सोल अलग से है ना, सोल अपने आप अपने आसपास ही कोई कुछ नहीं है, सोल अकेला सा है मालदीव्स, तो उससे सोली आप याद रख सकते हैं. नेशनल एंथम इज कौमी सलाम, कौमी सलाम. देन लैंग्वेज इज दिवेही, दिवेही. अब वही जो अकेला रहता है मालदीव्स उसकी लैंग्वेज दिवेही, ऐसे आप कह सकते हैं. पार्लियामेंट इज पीपल्स मजलिस, पीपल्स मजलिस. एंड इंडिपेंडेंस डे 26 जुलाई 1965. द नेशनल सिंबल्स ऑफ मालदीव्स क्या है? नेशनल फ्लावर इज पिंक रोज, पिंक रोज इज द नेशनल फ्लावर. नेशनल फ्रूट कोकोनट है, जो कई जगहों पे नेशनल फ्रूट नहीं कहा गया है, इसको अनऑफिशियल फ्रूट कहा गया है. लेकिन देखो अगर नेशनल फ्रूट पूछा जाएगा तो भी आंसर ये होगा, और अगर ये नेशनल फ्रूट नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा. तो एनीवेज आप कोकोनट तो ध्यान में रखिए, नेशनल फ्रूट है या अनऑफिशियल फ्रूट है, उसको हम देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है. ठीक है, कई जगहों पे नेशनल फ्रूट शो किया गया है, कुछ जगहों पे नहीं भी किया गया. नेशनल ट्री इज कोकोनट पाम, कोकोनट पाम पे ही कोकोनट उगता है. नेशनल बर्ड इज वाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, ये रही वाटर हेन. ओके, मालदीव्स हर तरफ से वाटर वाटर से घिरा हुआ है, इंडिया से भी थोड़ा दूर है, तो वाटर हेन याद रख सकते हो आप. नेशनल एनिमल इज येलोफिन ट्यूना, अब ये एनिमल नहीं है, इट्स अ फिश, बट देन वो नेशनल एनिमल कैटेगरी में शो की गई है. ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो इधर उधर से जो भी थोड़े रिलायबल सोर्सेज हैं वहाँ ही शो हो रहा है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा. अगर नेशनल एनिमल कुछ होगा इसके अलावा कुछ नहीं है, या तो नेशनल एनिमल, या तो नेशनल फिश पूछी जाएगी या नेशनल एनिमल पूछा जाएगा, दोनों केसेस में आंसर यही होने वाला है, बिकॉज अदरवाइज देर इज नो नेशनल एनिमल. ओके, सो येलो फिन ट्यूना. देन नेशनल स्पोर्ट इज बाशी एंड फुटबॉल, ये देख लीजिए, बाशी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में ये एक ही ऐसा स्पोर्ट है जो कि सिर्फ फीमेल्स और गर्ल्स खेलती हैं, और सिर्फ फीमेल्स और गर्ल्स खेलती हैं, सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए भी बिकॉज इसमें टेनिस का रैकेट और टेनिस की बॉल यूज़ की जाती है, लेकिन टेनिस की तरह नहीं खेला जाता, नेट होती है, रैकेट से आप पीछे मारोगे और पीछे खड़े हुए लोगों को कैच करनी है, कैच छूट गया तो यू नो, और ये तो आपको पॉइंट मिलता है. एंड इट इज़ अ वेरी सीरियसली प्लेड स्पोर्ट, बाशी, बाशी. ठीक है, सो शाबाशी मिलेगी अगर अच्छे से खेलोगे तो. एंड फुटबॉल ऑफ कोर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट गेम. मालदीव के बॉर्डर देख लीजिए, बॉर्डर में क्या देखेंगे हम? मालदीव ये रहा, इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, और श्रीलंका के साउथ वेस्ट में, और इंडिया के भी साउथ वेस्ट में पड़ता है, बाकी और कोई बॉर्डर शेयरिंग नहीं करता है. सो विद दिस वी आर डन विद दी इंटरनेशनल नेबर्स या नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, और उनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी एक जगह पे कंपाइल्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड तो कर दी हैं, याद करवाने की भी कोशिश की है, और थोड़ी बहुत मेहनत आप कर लीजिएगा तो सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा. और जल्दी ही मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. मंथली करंट अफेयर्स पहले लेकर के आऊँगी और बाकी टॉपिक्स फिर हम कवर करेंगे. सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और कोरोना को हराना है.